आज सबसे पहले बात करेंगे शिमला की, जहां पोषण और सहकारी संघवाद को लेकर एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सत्ता पक्ष विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि बीते 4 सालों से सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब दे रही है और इसके लिए अब भी पूरी तरह तैयार है। विधानसभा का सत्र है, विंटर सेशन है, धर्मशाला में होगा और उम्मीद करता हूँ अच्छा ये सेशन होगा। इसमें विस्तार से सारी विषयों को लेकर के चर्चा भी होगी और जो हमारे विपक्ष की ओर से जो प्रस्ताव लाएंगे वहाँ पर चर्चा के लिए हम चर्चा के लिए खुले हैं और हर बात का जवाब दिया है 4 सालों में, अभी भी जवाब देंगे, बिल्कुल देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से घबराने की जरूरत नहीं है, केवल सजग रहने की आवश्यकता है। उन्होंने स्कूलों में बच्चों के संक्रमित होने पर चिंता जताई और कहा कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। जयराम ठाकुर ने प्रदेश में कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने की बात भी कही। आज की बैठक में डिटेल में बातचीत हुई है, उसमें हम बेहतर कैसे कर सकते हैं। टेस्टिंग बढ़ाने का हमने एक तय किया है कि फिर से टेस्टिंग हमको ज़्यादा बढ़ानी चाहिए, क्योंकि जो पॉजिटिव आ गया उसके बाद उसका कांटेक्ट जो है ट्रेसिंग की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण है, इसलिए वो टेस्टिंग से ही संभव हो पाएगा। शिमला में आज नीति आयोग के साथ पोषण और सहकारी संघवाद को लेकर आयोजित वर्कशॉप के बारे में मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वर्कशॉप में पोषण अभियान को और सशक्त बनाने पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बच्चों का किस तरह पोषण हो इसे लेकर रोड मैप तैयार किया जा रहा है। पोषण आहार जो है वो अभियान जो हमारा पोषण अभियान जो है इसमें बहुत चीजों को लेकर के हमारा कुछ जगह अच्छा भी है, लेकिन कुछ जगह अभी तक जो है जानकारी के अभाव में जो चीज़ें जिस रूप में होनी चाहिए, बेहतर करनी चाहिए उनको, तो उस तरह से हम वहाँ पर उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाए हैं। हम उस पर बेहतर करना चाहते हैं, तो उस दृष्टि से बहुत चीज़ों को लेकर के विस्तार से आज चर्चा हुई है, डिस्कशन हुई है और अभी भी आगे उस पर होती रहेगी। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नीति आयोग के बहुत महत्वपूर्ण लोग यहाँ पर जो आए हैं वो हिमाचल प्रदेश को पूरा रोड मैप बना कर दे रहे हैं इस दृष्टि से कि आगे हमको किस प्रकार से करना है ताकि हिमाचल प्रदेश उसमें अच्छा परफॉर्म कर सके। कार्यशाला में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल भी मौजूद रहे।